Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. क्या है यो? पैसे 1 लाख में खाली 10,000 कम है. मैंने कब मांगे पैसे? ऐसा मत कहिए. देखिए, आप ही ने तो कहा था माने कि मैं 1 लाख रुपए ला के दूंगी, तुम्हारी छोरी से मिलने देंगे. हमारी बात का यकीन करो, जो 10,000 कम है वो मैं जल्दी ही ला कर दूंगी. हाँ, बावड़ी हो गई के. 1 महीना पहले अपनी छोरी को अपने साथ लाना लिखी तू. घना खतरनाक खेल खेलन लाग रही से तू. तेरा भाई हूँ, इस मारे समझा रहा हूँ. ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. ये सोच कर ना दी थी मारी छोरी उन लोगों को कि एक दिन मने ऐसे आग दिखावेंगे वो लोग. तो क्या छोरी के घर में बिठा के रखेगी के? क्यों बैठेगी? जवान से, खूबसूरत से लाइन लग जावेगी छोरों की. तने जितना कहूं हूं उतना तू कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ तू. ठीक से तेरा जो भी फैसला होगा, सही गलत, तारा साथ दूंगा. भाई हूं तारा. वैसे जाना किधर को है साहब? बैंडर के लिए मिशन. साहब जी, मैडम, मैं सब. अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे क्या? अरे दोस्त, अरे क्या? अरे साहब, क्या? मतलब भाई साहब, मुझे याद आया. हाँ साहब, मैं बताती हूँ साहब. चल बोल, कैसे जानती थी उस लड़की को? सर वो राजस्थान से, हरियाणा से, कहीं से तो था. वो आदमी लेकर आया था उसको मेरे पास. इसकी तो पहले से ही बैंड बजी पड़ी है, भीख अच्छी मिलेगी. इधर आओ और बांध दे इन सबके साथ. और हाँ, कल बड़े चौराहे पे बिठा देना इसको और नजर रखना इस पे, समझे? तुम आओ मेरे साथ. शुरुआत में एक आध बार उसने भागने की कोशिश भी की. मैंने अच्छी तरह समझाया था ना कि मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए. लेकिन रुक, अब तुझे मैं समझाती हूँ, जिसे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी. ए, पकड़ इसे. रुक अभी. छोड़ो, छोड़ो मुझे. इसे पहचानती हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले पहली बार मैंने उसको देखा था सुमन के साथ. ए सुमन, सुमन कहाँ ले जा रहा है मेरी छोकरी को? छोड़ ना. ए छोड़ मेरी छोकरी को, नहीं तो मैं तेरी तो जानता मार दूंगा. आ गई तो इसको दिखा रहा है तू. छोड़. वो सुमन को अपने साथ लेके चला गया. काफी वक्त से तो उससे मुलाकात करने का मन था, पर तूने कभी मौका ही नहीं दिया. और आज यहाँ से भी बिना मिले ही जा रहा था. डर की वजह से या फिर सुमन के साथ जो तूने किया उसकी शर्मिंदगी की वजह से? ना साहब, मैंने सुमन के साथ कुछ गलत काम ना किया. और जिन्होंने किया उनको तो आपने छोड़ ही दिया. हमने तो दोनों को छोड़ दिया, उसकी माँ को भी और उसके ससुराल वालों को भी. तो किसकी बात कर रहा है? दोनों की साहब. एक तो उसके ससुराल वाले जिन्होंने उसकी ऐसी आदत कर दी, और दूसरी उसकी माँ
जिसने उसका जरा सा भी साथ ना दिया। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले ये बता, तेरा क्या रोल है इस कहानी में? क्या रिश्ता था तेरा सुमन से? सुमन मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि हमारी क्लास से अलग अलग थी तो स्कूल में कभी बात ना हो पाई। की बात है चंदू, तुम्हारे पाचे पाचे क्यों आ रहा है? सुमन, तेरे तक कुछ बात करनी थी। देख चंदू, हमारे पास ये सब के लिए टेम ना है, इप मारा पीछा मत कर। बहुत शरीफ छोरी थी वहां साहब, बहुत शरीफ। पढ़ लिख के अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसका ब्याह करवा के उसके सारे सपने तोड़ दिए। बस साहब, जब सुमन का ब्याह हो गया फिर मेरा भी दिल टूट गया, फिर जीना लग गया गांव में। बस मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन तकदीर का खेल देखो साहब, सुमन को फिर मेरे सामने ले आई। मैं अपने मालिक के साथ सूरत गया था काम के सिलसिले में, वहां अचानक रास्ते में मैंने सुमन दिखी। अगले दिन साहब मैं मुंबई से सीधा वापस सूरत आया, सुमन को अपने साथ वापस मुंबई ले जाने के। ए सुमन, देख देख मैं चंदू, ए सुमन, ए सुमन, कहां ले जा रहे हो मेरी छोकरी को? छोड़, जानता मार दूंगा आगे ही तो। किसको दिखा रहे तू? छोड़। मन्ना नहीं पता साहब कि सुमन सूरत कैसे पहुंची। फिर मैं उसने अपने साथ वापस मुंबई ले आया साहब। मन्ना लगा कि अब मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। पता ना अचानक क्यों हुआ, रिक्शा में वो बेहोश होगी। मैंने लगा कि मर गई। मैं डर के मारे उसने रिक्शा में छोड़ के भाग लिया साहब। पर जब देखा साहब कि वो थाने से बाहर यूं आ रहे जैसे कुछ होया ही ना, बस साहब फिर मैं तरह नहीं गया। मैंने लगा कि आपने तो छोड़ दिया उन्हें, पर मैं ना छोड़ूंगा। और तो खुद ही जज बन के इंसाफ करने कूद पड़ा, उन पर जानलेवा हमला किया। उन लोगों के साथ तो इस तभी बुरा होना चाहिए था साहब, सड़क को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था जैसे उन्होंने मेरे सुमन को तड़पाया साहब। उनके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं ये तय करना अदालत का काम है, तेरा नहीं। देख सुमन को तो हम इंसाफ दिला के रहेंगे और तुझसे भी सच उगलवा ही लेंगे, पर फिर भी तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। सुमन की हालत तो तूने देखी है और तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि सुमन की वो हालत तेरे और तेरे घर वालों की वजह से हुई है। अब सच सच बता दे वरना। क्या बोलूं साहब जी, सुमन को घना ही परेशान करते थे मेरे घर वाले। नौकरानी बना के रख दिए थे, दिन रात सब काम करती थी, कभी भी मार खाती थी बेचारी। घर में किसी के पास इतनी हिम्मत ना थी कि कोई ताऊ और ताईजी के सामने अपनी जबान खोल सके, मारे में भी ना थी सारी। फिर सुमन परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने माँ के घर चली गई, लेकिन उसकी माँ दोबारा सुमन को हमारे दरवाजे पे छोड़ गई। ताऊ ने तो घुसने दे दिया। तू माँ के पास ना जा पाएगी और ना वो यहाँ आ पाएगी। चीख चीख तू जितना चीख। रुक, तेरी घर में निकालता रुक। हमारे घर में जब भी कोई गलती करता था तो उसे बाड़े में बांध दिया जाता था, रात भर रखते थे और सुबह खोल दिया करते थे, लेकिन सुमन को तो। मारे अपने भाई और चाचों ने मिड़ कर इज्जत लूटी थी उसकी, सारी रात खून खोल रहा था हमारा सुमन की हालत देख के साहब। सुमन लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल सकूं, और उसके बाद उन्होंने इसे धंधा बना लिया साहब। रोज रात को गांव से न जाने कहां कहां से लोग सारी रात सुमन के साथ।
लेकिन जब सुमन का पाव भारी हो गया साहब, तब उन्होंने गांव से दाई बुलाकर उसकी सफाई करवा दी। जब दाई ने कहा कि सुमन के अंदर गड़बड़ है, उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो सब घबरा गए साहब। उनको लगा कि सबको पता ना चल जाए, वो लोग उसे मार के गाड़ देना चाहते थे। मैं सुमन को बचाना चाहता था साहब। हमारे दिमाग में एक ही रास्ता आया। हमारे गांव में जब भी कोई किसी से कर्जा लेता और उसे चुका ना पाता, तो अपनी छोरी या लुगाई को देकर उस कर्जे को चुका देते थे साहब। हमारे परिवार पर राम नरेश का कर्जा था साहब, तो मैंने ताऊजी से कहा क्यों ना हम सुमन को राम नरेश को दे दे, इससे हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और सुमन का खतरा भी ना होगा साहब। उसे बचाने का और कोई रास्ता ना था साहब मेरे पास। अगर मैं ऐसा ना करता तो ताऊजी और बाकी सब घर वाले उसे पक्का मार देते। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 400 बच्चे और महिलाएं रोजाना लापता होते हैं, जो ना सिर्फ गांव से होते हैं बल्कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा शहरों से भी होता है, जहां की स्मार्टफोन्स और जीपीएस जैसे कई माध्यम हमारी सुरक्षा में मददगार होते हैं। ये साफ है कि सुरक्षा का कोई भी साधन हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम खुद अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हों, चौकन्ने हों। ये बेहद जरूरी है कि हम किसी पर भी बहुत सोच समझकर भरोसा करें और अपने तरीके से ये भी जांच करें कि वो व्यक्ति हमारे यकीन के काबिल भी है या नहीं, ताकि हम अपने आप को और अपनों को ऐसे धोखे से बचा सकें जिसका शिकार सुमन और उसकी माँ बनी। सुमन को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं गया। कानून ने बिना कोई रहम दिखाए उन्हें उनके किए की सजा दी, लेकिन जिन लोगों को बिना किसी गलती के सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ा, वो थी सुमन, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन। सुमन आज भी मुंबई के हॉस्पिटल में कोमा में है और उसकी बहन और उसकी माँ उसके सिरहाने बैठकर दिन रात इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब होश में आए और वो उसे अपने साथ गांव ले जा सके, टूटी हुई जिंदगी के तानों बानों को फिर से जोड़कर जिंदगी को आगे बुन सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सी हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।